इधर नहीं है। हाँ थोड़ा सा दूर रहिए ना, आप थोड़ा सा आप वहाँ पे, क्योंकि वीडियो भी हम लोग बना रहे हैं, देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा दांत होता है इन लोग का, और ये आप बच गए शुक्र है। अजगर अलग है, ये रसल वाइपर, रसल वाइपर समझ गए, चित्ती बड़ा पता, अब फुर्ती रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, एक बार फिर से स्वागत है धर्मेंद्र स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल में दोस्तों। और आज का कॉल दोस्तों पडरी पानी का था, पडरी पानी, और ये देख सकते हैं पूरा हरा भरा खेत है, खीरा और ककड़ी लगाया गया है, और ककड़ी के अंदर ही सांप देखा गया है जो कि रसल वाइपर है। सही टाइम पर देख लिए जब तोड़ने जा रहे थे, तो आइए देखते हैं कौन सा सांप निकालते हैं, कौन सा नहीं रसल वाइपर ही है। तो भैया पहले कौन देखा आपने? और भैया जब तोड़ने गए थे तो था, और इसका बाइट नहीं हुआ ना, बहुत फास्ट बाइट करता है ये। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ककड़ी लगाया गया है, और ककड़ी के अंदर ये रसल वाइपर है, अभी बेबी है, बाकी काफी है, देख सकते हैं दोस्तों। अरे यार दूसरा हैंक लेके आ गया हूँ यार, इस तो काफी सुंदर सा सांप दिखता है, चैन टाइप में बना हुआ रहता है इसके ऊपर, और ये रसल वाइपर, और ये इसको हम लोग आज मुंडी से पकड़ लेते हैं, इससे निकालते हैं, पहले इसको बाहर निकालते हैं, ये हट जाइए ना थोड़ा सा, ये ककड़ी लगाया हुआ है, और ककड़ी में ये रसल वाइपर, इसमें देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी बड़ा इसका दांत होता है, और अभी लगभग ये 2 फीट का है, और इसका आप लोग को दांत दिखाता हूँ ना, काफ़ी बड़ा होता है, देखिए अभी बाइट नहीं हुआ आप लोग को, ये देखिए दांत ना इसका, ये दांत है इसका, देख रहे हैं ये 20 दंती है, देख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा दांत होता है इन लोग का, और ये आप बच गए शुक्र है करके, न तो ये बहुत जल्दी बाइट करता है ये, बहुत जहरीला है, हाँ देख रहे हैं तुरंत। और फिर आप लोग नाग बोल रहे थे, इसका पहचान देखो, अब आप जी है ना, आदमी अजगर भी समझ लेता है इसको, ये अजगर से बिल्कुल अलग है, अलग है ना, अजगर या फोतकी समझ लेता है, और बिल्कुल अलग है, अजगर नहीं है। हाँ थोड़ा सा दूर रहिए ना, आप थोड़ा सा आप वहाँ पे, क्योंकि वीडियो भी हम लोग बना रहे हैं, हाँ बस अब वहीं पे बैठ के आप लोग एक बार सुन लीजिए, इसमें हीमोटॉक्सिक नाम का वेनम होता है, हीमो मतलब ब्लड को गलाता है और टूसू को मार देता है ना, जिसके कारण हाथ सड़ने गलने लगता है, और ये ना अंडा नहीं देता है, बच्चा देता है, एक बार में 40 से 45, 100 भी प्लस हो जाता है कभी कभी ये। और ये देखिए इसका पहचान एकदम आसान है, पूरा चैन टाइप में बना रहता है ना, पूरा चैन चैन, ये पूरा चैन बना हुआ है, एकदम ईजी है, आसान है, इसको पहचान सकते हैं आराम से। और हीमोटॉक्सिक जहर होता है, इसका काफ़ी बड़ा दांत होता है, आप लोग देखे ही, और इससे दूर रहना, जब निकलेगा ना ये सांप, ऐसा सांप से बिल्कुल दूर रहना है हमें, देख सकते हैं ये। और ऐसा सांप काटेगा तो सीधे जिला हॉस्पिटल ना, झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है, नहीं तो अगर काटा हुआ जगह को ज़्यादा समय तक रखेंगे तो सड़ जाएगा, सड़ने के कारण उसको हाथ को अलग भी करना पड़ता है। अच्छा। और कई बार ये केस आया है, चीला लाए हैं आप लोग? चीला नहीं लाए हैं, तो अभी है मेरे पास, उससे कर लेते हैं, तो देख लिए पहचान आप लोग, हाँ, ना, और इससे बचना है, ये एरिया में सबसे ज़्यादा मिलते हैं ना। अच्छा, ये पडरी पानी हम लोग उधर नदी तरफ नहीं पकड़े हैं, एक भी नहीं मिले हैं, इधर ही मिलते हैं, जो मिलते हैं इधर ही मिलते हैं, तो ऐसा सांप से बचना है। और आप लोग को इसमें देखना ही है, क्योंकि आप लोग का हाथ का काम है ये सब तोड़ना, और ककड़ी खीरा है, और ये सब क्या है, करेला है, हाँ। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं इसको, रिलीज करेंगे, वीडियो में बने रहिए, इसमें तो छेदा है ही है, एक दो और बना देते हैं हवा जाने के लिए, तो मरे हैं, इसका नाम आप लोग समझ गए ना, हाँ समझ गए, रसल वाइपर, चिट्ठी सांप, पतल चिट्ठी, और महाराष्ट्र में इसको घोनस के नाम से जाना जाता है, घोनस, हाँ घोनस, फुतकी है ना, फुतकी भी बोलते हैं, नहीं नहीं फुतकी, वही तो मैं बोल रहा था, फुतकी अलग है, फुतकी अलग है, हाँ फुतकी
अजगर अलग है, ये रसल वाइपर, रसल वाइपर समझ गए। हाँ, चित्ती बड़ा पता, अब खुद की रहेगा वो, छोटा छोटा उसका आँख रहेगा। इसका देखिए आँख बहुत बड़ा है और बिल्कुल अलग रहेगा फोतकी। और इसका इसी को फोतकी अजगर और इसके बारे में पहचानना है। फोतकी जहरीला नहीं होता, अजगर भी जहरीला नहीं होता, लेकिन ये जहरीला होता है। अच्छा, इसको हम लोग को मेन पहचानना है, इससे दूर रहना है। अजगर हमारे गांव में रहता है। हाँ हाँ, अजगर तो कहाँ कहाँ पे? वो हमारे देश बहुत दूर रहा। नहीं, मैं अजगर इधर बहुत ज्यादा पकड़ा हूँ, ठीक है ना, इधर। तो दोस्तों इसको रिलीज करने भी आ गए हैं, तो इसको छोड़ भी देते हैं, जाने देते हैं। अब बिल्कुल दूर रहना है दोस्तों ये ऐसा सांप से। ये जंगल में ये पत्ता में छोड़ेंगे तो ये आराम से निकल सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा मिल जाता है, इसमें बिल्कुल दिखता नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, इसको हटाएंगे तो दिखेगा, और ये ऐसे ही में ही ये बिल्कुल मिल जाता है। तो दोस्तों वैसे में ही बाइट होता है, और इसको जाने देते हैं हम लोग, इसके साथ बिल्कुल छिड़कानी नहीं करेंगे। चलिए तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और बेजुबान को बचाते में। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।